दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाकर पैसे अर्न करना चाहते हो? मतलब एक ही दिन में आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक डेमिट अकाउंट की जरूरत होती है। और ये डेमिट अकाउंट कहाँ मिलेगा, कैसे आप ओपन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जिसके मदद से आप भी काफ़ी सारे पैसे अर्न कर पाओगे, वो भी एक दिन में। तो यहाँ पर हम लोग डेमिट अकाउंट जिसके बारे में पता जानने जा रहे हैं वो है भाई जीरोधा का। जीरोधा में डेमिट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जीरोधा आप सर्च करोगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉग इन टू काइट, अगर आपका अकाउंट है तो आपको लॉग इन टू काइट पे करना है। अगर अकाउंट नहीं है, जो कि हमें न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो ओपन ए न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। और यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके आपको कंटिन्यू करना है। और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिससे कि आपने वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, कंटिन्यू विथ गूगल, मतलब आपके अपने जीमेल अकाउंट के से लॉगिन करना है, या फिर मैन्युअली अपनी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैन्युअली करें, क्योंकि कई बार हम लोग जीमेल अकाउंट क्रिएट करते वक्त इंफॉर्मेशन जो है वो सही भी नहीं देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मैन्युअली ही दे रहे हैं। नाम देना है, उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है और कंटिन्यू करना है। एक बार फिर से मैं बता दूँ कि आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद आपके ईमेल पर एक OTP आएगा, तो OTP देके वेरीफाई करना। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर 7 स्टेप को आपने फॉलो करना है, जिसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 of 7 अकाउंट है। मतलब यहाँ पर आपको 1st स्टेप में अपना पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ देकर आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप 2nd स्टेप में आ जाओगे। यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा UPI या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप चाहो तो UPI के थ्रू भी कर सकते हो। 200 रुपये का यहाँ पर चार्ज है, बट आपको जो अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसके थ्रू करोगे तो आपको कम पैसे लगेंगे यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर सीधा UPI के थ्रू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपके सामने 2rd स्टेप आएगा आधार KYC के लिए। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है और ये कैप्चर फिलअप करके वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेबिट अकाउंट आप ओपन करोगे तो आपसे आपका आधार वेरीफाई जरूर करेगा। तो यहाँ पर हम लोग OTP देते हैं और OTP डालने के बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। बहुत सिंपल है, कोई भी कोई 30 मार्क खान वाली बात नहीं है। सारे स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, जिसे आपने बस फॉलो करना है। इसके बाद आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप इसे अलाउ करोगे, अलाउ करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सक्सेसफुली लिख रहा है। इसके बाद आपके सामने 3rd स्टेप आ जाएगा, और 3rd स्टेप में है योर प्रोफाइल। तो इस यहाँ पर आपको अपने पेरेंट का नाम देना है, फादर मदर का नाम देना है, और यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, बैकग्राउंड आपका क्या है, फैमिली मेम्बर में कौन कौन से हैं, बस उनके डिटेल्स वगैरह यहाँ पर देनी होती है। और उसके बाद 4th स्टेप में आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना होता है। आप चाहो तो UPI के थ्रू भी अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक कर सकते हो, या फिर मैन्युअली आप उसके डिटेल्स यहाँ फिलअप करके लिंक कर सकते हो। तो मैं IFC के द्वारा लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि UPI के बेवक्त कभी कभी ईरर भी आ जाता है। उसके बाद नीचे जितने भी टिक होंगे, इन सभी को टिक कर देना है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी चीज़ों में टिक करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, उसके बाद भाई साहब कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अलाउ करने के लिए कैमरा का अलाउ करोगे और इसे वेरीफाई कर लेना है। जो नंबर आपके सामने होगा उसे पेपर में लिखना है और उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद 6th स्टेप है, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, पैन कार्ड का फोटो कॉपी मांगेगा, जो फोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, और इनकम प्रूफ ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर 1 by 1 हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड मैं अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 by 1 यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें अपलोड कर दिया, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया और पैन कार्ड भी अपलोड कर दिया। इनकम प्रूफ वो ऑप्शनल है, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। और नॉमिनीज यहाँ पर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, या फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऐड कर लेना, बट मैं यहाँ पर अभी स्किप कर रहा हूँ, ताकि मैं बाद में इसे ऐड कर लूँगा। कोई भी इश्यू नहीं है, आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ई साइन आएगा।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होगी, आपको उसके लिए भी यहाँ पर ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो कि सातवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर हर डेबिट अकाउंट में ये तो होता ही है। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपसे वर्चुअल आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड का नंबर दे सकते हो या फिर VID नंबर यहाँ पर डालकर OTP डालोगे और उसके बाद OTP आएगा आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर। ठीक है, आधार कार्ड में जो नंबर दिया हुआ होगा उस पर OTP जाएगा और फिर उसे यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर हम लोग देखो OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ पर वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड हो गया है और अब हम लोग इसे क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे वेरीफाई होने में, तो इसे वेरीफाई होने देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो वेरीफाई हो गया। उसके बाद कुछ इस तरीके का टर्म एंड कंडीशन आएगा, इन पे दोनों में टिक कर देना। टिक करने के बाद आपने प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आप अपने डेबिट अकाउंट को ओपन कर सकते हो जरोधा में। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी दी जाएगी ट्रेडिंग से रिलेटेड। जो भी वीडियो होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल पर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर पाओगे।